सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज चल रहे हैं भाई एक दिन में हमारे एक राइड के लिए, तो क्योंकि भाई बहुत दिनों से हम लोग निकले नहीं थे, 7-8 दिन से राइड पे नहीं निकले हैं, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं आ पाती है भाई। तो कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर हो जाओ, हर 2-3 दिन में वीडियो आ जाए। तो अभी हम लोग चल रहे हैं ऋषिकुंड की तरफ। आज हमारे साथ है अपाची 200 और आगे एक क्लासिक 350 और ये रही एक ड्यूक 200 जो कि भाई BS3 मॉडल है। क्या क्या भाई ये इशारे कर रहा था, गंदा लड़का। और ये भाई ड्यूक 200 वो BS3 वाला वेरिएंट है जो कि भाई सबसे पहले आती थी और ड्यूक इसी की वजह से तो फेमस हुआ था। पर इसका लुक पहले वाला ही लुक काफ़ी अच्छा था, अब शार्प हो गई है लेकिन ये लुक लेजेंडरी है, ड्यूक का पहचान इसी से होता था। तो चलते हैं भाई, एक और एक भाई हमें आगे ज्वाइन करेगा वो ड्यूक 200 से जो कि नया BS6 वाला है। तो चलते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या होता है। साहब ये क्या पता रहता है, इतना रोड खराब है इधर से आते ही नहीं। ओ भाई कल्याण, जब जब हम टायर अगर खोलते हैं तब तक बारिश होती है और ऐसे रास्तों पे आना पड़ता है हमको। कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग आराम से निकलेंगे, हेलमेट पहने हुए हैं, ये देख सकते हैं। अभी गला में आ गया मेरे मोच यार, पता नहीं कैसे गला बहुत दर्द कर रहा है। कोई नहीं, आगे जाके देखेंगे क्या हुआ। तो भाई आगे का सीन देखते हैं, अगर ड्रैग बन पाया ये अपाची 200 और ड्यूक 200 का तो बना लेंगे। फिलहाल पहले जल्दी से चलते हैं भाई, बहुत लेट हो गया आज निकलते हुए। मौसम भी भाई अच्छा कर दिया, बारिश हो जाए तो और सही है, और अब बारिश में रील्स वगैरह भी शूट हो जाएगा। बट ब्लॉग को हमें वहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि भाई वाटर प्रूफ तो होते हैं GoPro लेकिन केस में लगने के बाद वो वाटर प्रूफ नहीं रहते। देखते हैं ब्लॉग भी बन जाए, रील्स भी बन जाए, ऐसा कुछ सीन बनाते हैं। और भाई ये देखो, रोड थोड़ा ऑफ रोडिंग हो जाता है भाई, टायर हगर का अहमियत अभी समझ में आ रहा है। ये देखो पूरा मेरा पीछे
शर्ट तो ख़राब हो ही जाएगा, बाकी नंबर प्लेट वगैरह अभी आप देखोगे, रुक के दिखाऊंगा। जैसा कि आप सीन चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी व्यू आती है इधर की, और साइड एरिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो चला सकते हैं। चल रहा है आगे ड्यूक लेकर, भाई ड्रैग तो इससे करना चाहिए, बट ये थोड़ा अभी बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो इसी से ड्रैग कर लेते न्यू वाले का, तो वो आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो यार पिछली बार आए थे तो यहाँ मेला लगा हुआ था, तो हम लोग अच्छे से शूट कर नहीं पाए, काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है। तो व्हीली ट्राई किया जाएगा, पहुंच गए ऋषिकुंड। और यहाँ का भाई पानी जो है हमेशा गर्म रहता है, यानी कि अगर आप ठंडी में कितनी भी ठंड में आओगे, यहाँ मेन लोग ठंड में ही आते हैं, ताकि लोग यहाँ से गर्म कुंड है जो कि गर्म पानी निकलते रहता है, तो आराम से आप यहाँ नहा सकते हो, यहाँ सभी नहाते हैं गर्म पानी से। ये नेचुरल है जो कि हमेशा पानी गर्म निकलते रहता है। करो फिर से करो, नाइस नाइस। तो हम भी ट्राई करते हैं एक बार, आराम थोड़ी सी हुई तो आगे जाके करेंगे आराम से। तो यहीं पे रुकते हैं भाई कुछ देर, उसके बाद फिर रील्स वगैरह निकालते हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, और ये बारिश भी हल्का हल्का हुई फिर रुक गई, तो सोचे थे बारिश में वीडियो बन जाएगा, तो कोई गल नहीं, हम लोगों ने ड्रैग उसका शूट कर लिया। तो अभी चल रहे हैं हम लोग वापस, और ये रही ड्यूक 200 जिसकी मैं बात कर रहा था। तो चलते हैं भाई थोड़ा रील शूट करते हुए घर की ओर। तो भाई ये देख सकते हैं यहाँ ऑफ रोडिंग होने लगा भाई, और ये कीचड़ में घुसाना पड़ रहा है हम लोगों को वापस से। अरे भाई पैर नहीं रखा है, और मैंने तो वाइड जूता भी पहन रखा है। और इसको देखो भाई क्या मस्त खड़े होके चला रहा है। उतना सही है जो कि हम लोग उससे तेजी भगा पाए। आराम से ही चलाओ वहीं पे भाई जहाँ पे आपका भीड़ वगैरह नहीं हो, रोड है बट नैरो, खाली रोड है बट नैरो है, इसीलिए उतना भी तेज नहीं भगाते हैं। तो आगे जाके रुकेंगे, उसके बाद थोड़ा टी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर घर की ओर निकलेंगे। तो भाई हो गया अभी हम लोग का टी ब्रेक, तो अब निकल रहे घर की तरफ, और हम चला रहे हैं 200 अपाची 200।
थोड़ा इसका भी मजा ले दिया जाए। और दो भाई चले गए घर, चलिए थोड़ा इसको भगाते हैं। स्टेज 120 गई। तो आज का राइड भाई काफी बढ़िया रहा, रील्स वगैरह भाई काफी अच्छे आए। तो आप जिन लोगों ने इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है वो इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ पे करंट अपडेट और रील्स अच्छी आती रहती है, तो आपको पहले वहीं पर रील देखने को मिलेगी। इसका थर्ड गियर भाई काफ़ी लंबा है, थर्ड गियर पे 104-105 चली जाती है। और हैंडलिंग भाई तो अच्छी ही है, क्लच बहुत काफ़ी स्मूथ है इसका। और शाम के बज रहे हैं भाई 4:52, तो आज काफ़ी लेट हो गया, हम लोग निकले थे 1:30 बजे के लगभग और अभी बज गया 5, तो वहाँ रील्स वगैरह शूट करने में ही टाइम लग गया भाई। के वीडियो यहीं पे एंड करते भाई, और ये रही अपनी बाइक। तो आज के वीडियो भाई इस प्यारे से व्यू के साथ ख़त्म करते हैं। सो होप करता हूँ गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। एंड टिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ।